वे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी आरटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के सिंह मीडिया से रूबरू हुए। कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसकेआईटी के प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान बनने के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके साथ आरटीयू से संबंध एसकेआईटी प्रदेश का ऐसा पहला कॉलेज बन गया है जिसे ऑटोनॉमस एफिलिएशन मिला है। यूजीसी की ओर से एसकेआईटी को पिछले माह 24 अप्रैल को ऑटोनॉमस की मान्यता दी गई थी, जिस पर 2 मई को आरटीयू ने आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा कि 7 सालों से आरटीयू क्यूआईवी से पहले स्थान पर रहने के साथ साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक तमाम सुविधाओं से लबरेज होने के कारण कॉलेज को यूजीसी और आरटीयू से यह मान्यता मिली है। आगे उन्होंने कहा कि आज के वक्त में इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट मार्केट की मांग है। आज काफी बड़ा दिन है, काफी खुशी की बात, आप सब लोग आए और वीसी साहब ने सारा एक्सप्लेन किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं उसमें कि जैसे एक मेजर डिग्री जैसे वो ले रहा है सिविल के अंदर या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके साथ साथ में कुछ कोर्सेज करके कुछ क्रेडिट्स अर्न करके वो माइनर डिग्री भी ले सकता है। जैसे सिविल के साथ में वो कंप्यूटर्स की डिग्री भी ले सकता है माइनर डिग्री। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत अच्छा फीचर होगा इसका, तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ से। एसकेआईटी के बारे में बता दीजिए सर। आज एसकेआईटी के बारे में तो देखिए वीसी साहब ने बहुत कुछ बता दिया, उनका ये नंबर वन शुरू से ही रहा है और एक्चुअली इनफैक्ट मैं यहाँ पर 2002 में आया था और चेयरमैन साहब से मेरी पहली मुलाकात में इन्होंने कहा कि हमें तो इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए और उन्होंने मुझे टोटल एकेडमिक फ्रीडम दे दी उन्होंने करने के लिए। और शुरू से ही मेरा फोकस ये रहा था कि हम एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए जाएं। तो पहला बैच हमारा जो है वो 2006 में निकला और 2009 से हम बराबर एक्रेडिटेशन लेते रहे हैं और आज हमारी 6 ब्रांचेज एनबीए से एक्रेडिटेड हैं और जो है नेक से भी A++ मिल चुका है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और एसकेआईटी की। और देखिए लगातार आप सुन रहे हैं कैसे समय पर होंगे सेमेस्टर बताया जा रहा है। एसकेआईटी बना प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस अफिलिएशन संस्थान, आरटीयू पहला शिक्षण संस्थान जिले को मिला ऑटोनॉमस का ये। और आरटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट मार्केट की मांग है उसी को लेकर उन्होंने तमाम बातचीत यहाँ पर करी।